जो था ना उल्टा से जैसे दिया हुआ था ना किताब में जैसे दिया हुआ था इधर से देखो इसमें दिया हुआ तो उसमें बना रहता सीधा पंद्रह से बीस बीस से पच्चीस करके बना रहता है इसमें दिया हुआ है कि बीस से कम ठीक है बीस से कम पच्चीस से कम तीस से कम पैंतीस से कम सब में कम दिया हुआ है ठीक है जब इसमें उसमें पहले में ये सब नहीं दिया हुआ था डायरेक्ट दिया हुआ था पंद्रह से बीस बीस से पच्चीस इधर लिख दिए कम मतलब इधर लिख दिए पंद्रह लिख दिए बीस से कम है तो पंद्रह क्योंकि देखो पांच का है ना अंतर इसलिए यहाँ लिखे पांच लिखे इधर पंद्रह कम लिखे पच्चीस से कम बीस होगा तीस से कम पच्चीस पैंतीस से कम तीस चालीस से कम पैंतीस पैतालीस से कम चालीस पचास से कम पैतालीस पचपन से कम पचास साठ से कम पचपन ठीक है इसमें जो तुमको दिया हुआ है यहाँ पे तुमको दिया हुआ संचय बारह बार का दिया हुआ ठीक है दो छ चौबीस पैतालीस अठहत्तर नवासी बिरानवे अंठानवे एक सौ दिया हुआ ये संचय बारंबारता दिया हुआ ठीक और इधर तुमको निकालना है बारंबारता ठीक है तो इसमें क्या करना है उसमें क्या करते थे जोड़ते थे क्या करते थे जोड़ते थे ना दो लिख करके जोड़ते थे इसमें क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा ठीक है इसमें दिया हुआ और इसमें घटाना है तो क्या करेंगे ये दो को यहाँ लिख दिए है ठीक अब इसमें घटाएंगे छ में दो घटाएंगे चार चौबीस में छह घटाएंगे बोलो अठारह फिर पैतालीस में चौबीस घटाएंगे तो इक्कीस अठहत्तर में पैतालीस घटाएंगे तो तैतीस नवासी में अठहत्तर घटाएंगे फिर बिरानवे में नवासी तीन अंठानवे में बिरानवे और एक सौ में अंठानवे घटाएंगे दो तो ये तुमको जो है यहाँ पे टोटल दिया हुआ है यहाँ पे लिख दिए यहाँ देखो तुम यस सर सीधा उसका देखो यहाँ पे पहले इसका निकाल देंगे ठीक है निकालने से कितना निकला पचास अब जो हमको देखना है इसमें क्या देखते हैं संचय बारह बार था लड़का देखो इससे कम कितना है पैतालीस सर अब एको दन देखेंगे यहाँ बोले देखने के लिए तो यहाँ पे क्या किए एक सौ पैतालीस ये जो पैतालीस निकला पैतालीस से कम कितना होगा पचास से कम कितना पैतालीस पैतालीस तो यहाँ पे हम क्या किए सी एफ को लिख दिए पैतालीस ठीक है इसको लिख दिए और इससे कम जो होगा तुम्हारा यहाँ पे एक नीचे तैतीस हो गया इसी के निम्न वर्ग ये पैतीस लिख दिए अब जो तुमको लिखना है यहाँ पे सबको लिख दिए यहाँ पे सामने में एल पैतीस सी एफ तुम्हारा पैतालीस एफ तैतीस आई या फिर एच या आई लिखो या फिर तुम एच भी इसको बोल सकता है ठीक है आई या एच तो ये कितना का है पांच का है तो ये पांच लिख दिए अब इसका जो फॉर्मूला होता है माध्य बराबर एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच या फिर आई तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना है पैतीस फिर ये n बाय टू यहाँ निकाले है n बाय टू का वैल्यू पचास सी एफ पैतालीस आई यहाँ एच जो है पांच ये चीज को यहाँ पे भी लिख दिए ठीक है इसको घटा दिए पचास में पैतालीस घटा दिए पांच और ये जो तैतीस था यहाँ पे रह गया इसको दोनों को गुना कर दिए ठीक है ये दोनों को गुना कर दिए अगर यदि कटा नहीं कराता तो ये यहाँ पे दोनों कटता अगर यहाँ पे कटेगा पांच से तैतीस तो कटेगा नहीं तो यहाँ पे क्या किया इसको दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई कर दिए गुना कर दिए ठीक है ये पैतीस से रहने दिए पच है पच्चीस ये पच्चीस से लिख दिए और बटे में तैतीस तैतीस से क्या किया पच्चीस को भाग दे दिए ठीक है कट नहीं रहता तो एक दशमलव मारे जीरो आया उसके बाद तैतीस सते किए तो दो सौ इकतीस निकला उसके बाद घटाने के बाद उन्नीस बचा फिर एक जीरो दिए फिर पांच बार में घटाए एक सौ पैंसठ खिलाए उसके बाद घटा करके फिर पच्चीस आया फिर एक जीरो दिए फिर वहीं पे आ गया तो देखते इस तरह से ये क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पे तुम तीन अंक हुआ ना तो तुम दो अंक भी लिख सकता है यहाँ पे तुम यहाँ पे सेवन पॉइंट सेवन फाइव भी लिख सकता है तो यहाँ क्या किया इसको जो है इसमें फिर जोड़ दिए इसके अंक इधर जो दशमलव के पहले अंक नहीं है ना जीरो है यहाँ पे पैंतीस दशमलव सात पांच लिख दिए आंसर हो गया यस सर कोई दिक्कत नहीं इस तरह से में कोई दिक्कत नहीं और वो जो था सिंपल में पहले जो दिया हुआ था सीधा तुमको देता था और उसके बाद तुमको बारंबार का दिया हुआ रहता था उधर सी एफ निकालना पड़ता था संचयी
बारम्बार का, ठीक है। तो ये जितना सा इसमें दिए टोटल को रिविजन